हिस्से में। अच्छा, फोर्ड 3600 में ईपीआई हिस्सा लगा दिया पीछे। हाँ जी, ईपीआई हिस्सा फिट करके डबल क्लच, डबल एक्टिंग वाला डिस्ट्रीब्यूटर, तेल वाले ब्रेक तो होंगे जब ईपीआई हिस्सा है तो। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो जितना भी है ना, ये पाइपें हैं, ये पाइपें जितने भी हाइड्रोलिक पे लगी हुई है ना, ये सारी हम खुद तैयार करते हैं। जो आगे वाला जो इसका फ्रंट है ना, इसका रबड़ रिंग वाला है जैसे कंपनी दे रही है, ये भी हमने अवेलेबल करवा के, ये देखो ये इसमें रबड़ रिंग है आगे, ये लीक के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है जी, जैसे ये टंकी है, जैसे कंपनी लगा रही है ना, वैसे ही हमने लगाई है इसकी, भी पाइप भी वही लग जाए, यहाँ पे हॉस पाइप लगेगा वो भी वही लगेगा। अगर बंदे को बाद में कोई रिपेयरिंग कोई पार्ट करना पड़े तो आसानी से उसको स्पेयर पार्ट अवेलेबल। ये जो है टंकी, ये जेन्युइन है बिल्कुल, पाइप भी बिल्कुल जेन्युइन तरीके से लगेंगे, क्लंप भी सही चीज का रूप जो निखर के आता है ना, पेंट के बाद जब फिटिंग होगी ना, तभी सारी चीजों का पता अच्छे से लगेगा भी ये कैसे फिट हुई है, ये कैसे फिट हुई है। ये देखो, ये जो प्लेट है ना, इसमें लॉक दे रखा है, लिफ्ट नीचे आने का मतलब ही नहीं है, इसको लॉक को खोलो आप, लिफ्ट अगर ऊपर है ना आपकी तो इसको ऐसे बंद कर दो, बंद होने के बाद अगर लीवर डाउन पोजीशन में भी है ना, तो लिफ्ट आपकी नीचे नहीं आएगी। कई बार सड़क पे पीछे लोड होता है ना, तो यामर गार्ड पे कोई बैठा है तो उसका पैर लग गया, तो लीवर तो नीचे आ गया, जो पीछे आपने सामान लोड करके वो भी सड़क पे गिरेगा। इसका ये है कि ये सेफ्टी स्विच है इसका, एक हिसाब से मान के चलो, इसको आप लॉक कर दो, लिफ्ट नीचे नहीं आएगी। इसकी आर्मे देख लो, ये भी फार्म ट्रक 65 वाली है, मोटे वाली और हैवी ड्यूटी वाली है। ये 65 वाला हिस्सा लगाया, कौन सा लगाया आपने? हाँ, ये फार्म ट्रक 65 का है, फोर्ड 3600 में। हाँ, फोर्ड 3600 में। तो अगर इसमें टोटली जैसे हिस्सा ले लिया, उसमें लेदर प्लेटें, बैरिंग, स्टार, ऐसे जितना भी सामान है ना, वो सारा खोल के चेक करके अगर कोई भी डैमेज है तो उसमें नया डालना है। जैसे ये आर्म थे, ये ख़त्म थे इसके, दोनों आर्म भी, शाफ्ट भी, बुश भी, अंदर वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो हम रिपेयरिंग नहीं करवाते, वो नया ही पेटी बंद फिट किया इसमें, तो सभी टेक्निकल। आगे भविष्य में जमींदार को कभी भी लिफ्टों में कोई दिक्कत ना आवे। हाँ जी, हाँ जी, है ना, देखो पैसे लगने हैं अगले के। हाँ, तो चीज जो भी है वो सारी नई लगा के दो। ये जो प्लेटें हैं, ये एक हिसाब का इसका डस्ट कप है, ये ऐसे फिट होंगी। ये नट अभी रखे हैं, ट्राई के बाद ये यहाँ से निकल के यहाँ पे नए डल जाएंगे, और उसके बाद ये प्लेट ऊपर ऐसे फिट हो जाएगी। ये पायदान है, नए मॉडल के स्ट्रक्चर हैं, और ये प्लेटें हैं जो नीचे फिट होंगी, इसमें पावर स्टेयरिंग की पाइपें फिट होंगी, जो ये पत्ती, ये सारी हम जितने भी है ना, सारी ड्राइंग हमने बना रखी है, सारी खुद तैयार करके और फिटिंग वैसे करते हैं जैसे कंपनी दे रही है ना, आज के टाइम में वैसी ही फिटिंग होगी पाइपों की भी, और जो आगे डॉक्टर लगे हुए हैं इनकी भी। अच्छा, ये इसकी 3600 की टंकी टापी वगैरह रखी हुई है। हाँ जी, इसके सेटिंग करके, पहले कच्ची सेटिंग करके उसके बाद नंबर लगा देते हैं, जैसे A1, ये सारा सामान इसी का है। इसकी सेटिंग करके उसके बाद ये पेंट होगा, फिर पेंट के बाद कोई भी काटावाडी नहीं करनी पड़ती, सीधा ही फिट कर दो, इसका जो पार्ट है ना उसी का ही फिट होगा।